भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट जो रिपब्लिक डे के बारे में कुछ भी बोलना चाहता हो, वो सामने आके अपने शब्दों से बच्चों को बताना है कि रिपब्लिक डे होता क्या है, या कोई भी स्पीच जो बच्चा या कोई भी टीचर देना चाहता हो सामने आके बोल सकते हैं। और अभी हमारे बीच में एमपी सर, प्लीज कम हियर। यहाँ उपस्थित मेरे गुरुजनों एवं छोटे बड़े बहन भाइयों और आगंतुकों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम आजाद हैं, परंतु हम अपने आप को आजाद कह सकते हैं? हम अपने आप को स्वयं आजाद कह सकते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि शारीरिक रूप से तो हम आजाद हैं, परंतु मानसिक रूप से हम आज भी बंधन में हैं। हम अपने इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये उन महान व्यक्तियों के कारण संभव हो पाया है जिनके संघर्षों ने हमें आजादी से जीने का अधिकार दिलाया है। आज मैं अपने आप से वादा करना चाहूंगी कि मैं उनके संघर्षों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी जिन्होंने हमें, मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं उनके संघर्षों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और भविष्य में एक सफल मुकाम हासिल करूंगी, क्योंकि मेरे पास सर्वोच्च मधिकार शिक्षा का अधिकार है। थैंक यू। जिंदाबाद।